तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट व्लॉग. यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना इज वर्थ इट, बट ये वाला जगह क्या आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? यहाँ पे जो अच्छा सा जो ये एम्बियंट लाइट होकर रखा है ना, ये तो और भी लाइक मूड बना रहा है यहाँ का. इसे हम लोग बोल सकते हैं 80% रेडी हो गए पेंट होके. Very warm good evening to you all, ladies and gentlemen. Welcome back to my vlog. Ladies and gentlemen, ये वाला vlog straight forward शुरू हो रहा है हमारे अपने गांधी पार्क से. पार्क पे आते ही जो है सबसे पहला चीज हमें फील हो रहा है वो है गर्मी. उसके बाद गाइज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आज मेरे साथ कौन कौन है. यहाँ पे हमारे द फेमस सुमित कॉलेज फ्रेंड. आज एक्चुअली हम लोग सब कॉलेज फ्रेंड्स ही आए हैं यहाँ पे पार्क एक्सप्लोर करने. यहाँ पे सुमित, फिर यहाँ पे हमारा आकाश ऑल द वे फ्रॉम लाला टाउन. तो यार यहाँ पे मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स हैं हमारे कॉलेज का. यहाँ पे है ट्यूशन फ्रेंड, यहाँ पे है अनिशा, फिर स्मिता. मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? स्मिता से हाय. यहाँ पे स्वर्णतोपा, फेमस स्वर्णतोपा. एनीवेज गाइस, गांधी पार्क में मैं बता दूं कि बहुत कुछ नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है. पहले भी गांधी पार्क हुआ करता था लेकिन उसे बंद करके दोबारा से रेनोवेट करके न्यूली खुला गया है. यहाँ पे एक रॉक क्लाइंबिंग टाइप कुछ एक है एंड हमारे दो मित्रों लोग ऊपर पहुँच भी चुके हैं. नाम आराम से नाम. वेट. अरे हाँ ये करेक्ट है. भाई डर लगे था. ये तो ऊंचा उड़े थे पर तो नरे ही था. सुमित जंप कर. सुमित जंप कर. ए तो शाबाश बागर बच्चा तू. आकाश तो भाई खानदानी बंदोर भाई. ये तो भाई तुम तुम्हारा नंबर. वही देख. वेल डन ब्रो, वेल डन. बिग फैन सर, बिग फैन. वन सेकेंड सर. दम सिर्फ इन दोनों पे ही नहीं है, दम इसमें भी है. अनिशा गाइस, अनिशा कहाँ चढ़ गई? ये दोनों बंदर लाला टाउन का है. तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने कारनामा देख ही लिया अनिशा का. अनिशा इतना बड़ा बंदर निकलेगी हमें पता नहीं था. अब ये भाग रही है यहाँ से, हम लोग भी चलते हैं आगे जाके और भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आते हैं. हम लोगों ने ड्रोन वोन लाया तो ड्रोन का शॉट्स तो आपको जरूर से दिखाएंगे. लेट्स गो. जस्ट हम लोग आ गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो ट्रेन है वहाँ पे, स्विंग है वहाँ पे, फिर सीसो वगैरह बहुत कुछ है. चलिए आगे बढ़ के हम आपको अच्छे से सीन्स जो है वो दिखाते हैं. इसे देख के लग रहा है अभी हमें भी ट्रेन पे चढ़ना चाहिए. हेलो गाइस, दिस इज केतन. हेलो गाइस, कट. আমি এরকম নর্মাল চ্যানেলের সামনে আসি না. আমি আমার কোন সা চ্যানেল আছে, রেপুটেড চ্যানেল লাগে আমার, নালে আমি আসি না. হিপোক্রেসি কি ভি সীমা হতি হ্যায়. এন্ড ইয়ার ইয়াহা পে ইয়ে জো পোর্শন হ্যায় গান্ধী পার্ক কা, ইয়ে সবসে ফেমাস পোর্শন হ্যায় কজ ইয়াহা পে লিখা হুয়া হ্যায় আই লাভ সিলচর, জো কি মে আপকো দিখানে ওয়ালা হু হামারে ড্রোন কে নজরিয়ো সে. ইন জাস্ট 3 2 1 গো. Thank you.
है फुल पावर, हम लोगों ने ड्रोन वोन उड़ा लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो इन दिस ब्रिज। हमारे बिल्कुल पीछे है एक ब्रिज जो की ब्रिटिश लोगों ने बना के गया था। तो यार फिलहाल तो यहाँ पे शाम हो गया है ऑलरेडी, पीछे जो है लाइटिंग वगैरह सब कुछ जल चुका है। क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, एंड यहाँ से ये शाम क्या सही लग रहा है यार। यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना इज वर्थ इट, बट एक ही चीज है कि संडे को मत आओ गाइस, आज मंडे है, आज आके बहुत कम भीड़ है। कल मैं एक शूट के कारण आया था एंड कल जो तबाही वाला भीड़ था ना भाई, खत्म, स्पीचलेस। अब फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते धीरे धीरे, फिर यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है उसको घूमते हुए हम लोग स्टॉल के सामने से होते हुए निकल जाएंगे इस पार्क से। तो यार वी आर इनसाइड दिस ऑडिटोरियम एंड भाई प्लीज करो इस नरे। यहाँ पे ये ऑडिटोरियम हो गया, यहाँ पे स्टेज है पीछे, यहाँ पे गैलरी है, बैठ के आराम से प्रोग्राम वोग्राम एंजॉय करो। और फिर हम लोग गैलरी से बाहर निकलते हैं तो ये दोबारा से पार्क पे एंटर कर जाते हैं। फिर इस तरफ है हमारा गांधी भवन। एंड गाइस ये जो ग्रास है ना इतना सॉफ्ट है ना क्या बताओ, फिर भी ये वाला जो पोर्शन है ये फिर भी उतना भी सॉफ्ट नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, हम लोग वहाँ पे जाके दिखाते हैं। एंड यार यहाँ पे जो अच्छा सा जो ये एम्बियंट लाइट होकर रखा है ये तो और भी लाइक मूड बना रहा है यहाँ का, बहुत ही सही है आज। लेकिन वीकेंड में गाइस मत आओ, वीक डेज पे आओ, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, इसी बीच आओ, सैटरडे संडे को मत आओ गाइस, फर्स्ट जाओगे आगे। बाहर जो टिकट काउंटर के सामने जो लाइन लगता है ना वो तो लाइक और भी लंबा वाला लग जाता है। यहाँ पे शोनो दोबा ग्रास का स्मूथनेस दिखाएगा। थोड़ी देर पहले तुम ही बोल रही थी जो ग्रास है ना यहाँ पे ये बहुत ही सॉफ्ट है यार, बहुत ही मस्त है। एंड यहाँ पे आई लव सिल्चर, ये यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। एंड गाइस मैं बता दूं कि वो जो घर है वो ब्रिटिश जमाने का घर है। अभी अभी केबल शो के दिखाएगा कितना सॉफ्ट है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं नीचे, बहुत ही सॉफ्ट है। सो भी सकते, सो जाओ। हाँ सो भी सकते, सो जाओ भाई। ये कारपेट वाला ग्रास है, भाई मुझे मारेगा भाई, मेरे मानूंगा। ये निमंत्रण दिया ने मारतो हमारे। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं बैठा था, फिर धीरे धीरे करके सब बैठ गए यहाँ पे। एंड ये सबसे ज्यादा नाटक कर रही थी और ये बैठ गई। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि स्मिता और अनिशा वो लोग अभी जस्ट निकल गए, कॉज उनका थोड़ा बहुत देर हो रहा था। हम भी यहाँ पे 5 मिनट बैठेंगे, बैठ के निकल जाएंगे घर के लिए। तो यार यहाँ पे बहुत समय हम लोगों ने चिल विल मार लिया एंड दिस इज द मेन गेट एंड नाउ इट्स टाइम टू गो आउट। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे पैकअप वैकअप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं, निकलते हैं घर के लिए। तो यार यहाँ पे फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर। एंड ये वाला जगह कि आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा गैराज, वही पुराना वाला गैराज जिस पे इस लेवल तक पानी आ गया था। उसके बाद लाइक ये वाला रूम जो है वाइट से येलो बन गया था। यहाँ पे अपना गैरेज भी हूँ, गैरेज का हालत देखो क्या खराब होके रखा है। पहले मेरा गैरेज क्या साफ सुथरा हुआ करता था, फिलहाल मैं पेंट करवा रहा था एंड उसी बीच जो है फ्लड आ गया था। एंड यहाँ पे आप लाइन एक देख सकते हो, यहाँ तक फ्लड था। अब आप समझो अगर बाइक अगर यहाँ पे रहता तो बाइक पूरा पानी का अंदर ही होता, वही है। एंड देन वापस से पेंटिंग का काम शुरू हो गया था एंड इसी बीच मैंने इसका कोई भी अपडेट आपको दिखाया नहीं था। तो आज फाइनली गाइज अपना गैरेज रेडी हो गया है। फिलहाल तो गाइज इसे हम लोग बोल सकते हैं 80% रेडी हो गया, पेंट हो गया। अभी वॉल पे कुछ स्टिकरिंग वॉलपेपर का काम बाकी है, वो सब मैं अभी नहीं दुर्गा पूजा काली पूजा के बाद करवाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अपना साइकिल वगैरह सब कुछ है एंड एक साइकिल का मैं हाल दिखाता हूँ आपको। जस्ट गाइज जस्ट लुक एट दिस साइकिल, इसका क्या हालत होकर रखा है। ये एक्चुअली फ्लड के समय जो है इस रूम पे था एंड पूरा साइकिल फ्लड पे डूब गया था, पूरा मिट्टी का लेयर है। कहा गया आप अच्छे से देखोगे तो पूरा मिट्टी का लेयर है। ये दोनों बहुत महंगा साइकिल था तो इन दोनों साइकिल को हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे उठा लिया था। एंड बाकी तो हमारा बाइक अभी बाहर रखा हुआ है, तो इसे अभी हम लोग अंदर पार्क करते हैं। बहुत दिनों बाद गाइस मैं अपना बाइक को फाइनली अपना गैरेज पे पार्क करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फटाफट से लाते हैं हमारे बाइक को अंदर। फाइनली गाइज हमारा बाइक आ चुका है हमारे गैरेज के अंदर। फाइनली गाइज द माइटी बीस्ट इज हियर। क्या मॉन्स्टर लगता है यार, मन तो करता है जस्ट इसे ही देखते रहो, इसे ही देखते रहो। एनीवेज गाइज अब चलते हैं ऊपर, बहुत टायर्ड भी फील हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है इस रूम पे बहुत ही ज्यादा एको हो रहा है बिकॉज इस रूम पे कोई भी सामान नहीं है। पहले ऊपर इस रैक पे बहुत सारा
कार्टून वगैरह रखा हुआ था जिसके कारण एको नहीं होता था, वो जो कार्टून हुआ करते थे वो सब साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे। अभी तो रूम पे कुछ है ही नहीं इसलिए ज्यादा एको हो रहा है। विंडो खैर ये सब मैंने खोल दिया था थोड़ा बहुत हवा आने के लिए, लगाते फिर हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया ऊपर एंड आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर रहे हो एंड वीडियोस में भी कमेंट पे डाल रहे हो कि भैया व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। लास्ट वाला व्लॉग मैंने 15 अगस्त का छोड़ा था, उसके बाद से एक भी व्लॉग मैंने शूट नहीं किया एंड अपलोड भी नहीं किया, तो इसीलिए सोचा कि आज थोड़ा बहुत निकल ही रहा हूं तो व्लॉग भी शूट कर लूंगा एंड आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है वो सब भी शेयर कर लूंगा। फिलहाल तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है 9th ऑफ द नेक्स्ट मंथ दैट इज सेप्टेम्बर, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपका केपी भाई जो है फुल साल पढ़ाई नहीं करते, जस्ट एग्जाम्स के एक दो हफ्ते पहले से पढ़ाई करना शुरू करते हैं एंड उसके बाद एग्जाम भी दे देते हैं। तो वही है, बस अभी मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ एंड गैरेज भी फुल पावर रेडी हो गया है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। एंड गाइज आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग कुछ दिनों पहले हाफलोंग से जाके आए हैं एंड हाफलोंग में हो गया था हमारे साथ एक छोटा मोटा सा हादसा। मेरा एक छोटा सा भाई हाफलोंग रिवर पे उतरा था एंड वो लाइक पानी पे बह के जा रहा था एंड इसी बीच हम लोगों को जाके बचाना पड़ा एंड उसी समय जो है मेरे हाथ में कैमरा था एंड आंखों में चश्मा था। मैं जैसे ही पानी में कूदा पहला थिंग मैंने कैमरा को थ्रो कर दिया था मेरा हाथ से ताकि कैमरा पानी में ना भीगे या फिर पानी के साथ बह कर ना जाए, तो कैमरा का लेंस वेंस पे क्रैक वगैरह आया था। खैर वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था एंड मेरा चश्मा भी चला गया था, वो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, मैंने मेरा बाइक को इजिली सेव कर लिया था एंड उस दिन के बाद से मेरे पास कोई चश्मा ही नहीं था। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आपका केपी भाई ने ले लिया है एक न्यू चश्मा, पूरा व्लॉग में तो आपने देख ही लिया है, मैंने बोला ही नहीं है आपको। एनीवेज यहाँ पे टाइम हो रहा है रात का 1:40, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा एडिटिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी जस्ट व्लॉग को एक्सपोर्ट करूंगा, थंबनेल वगैरह रेडी करूंगा, सो जाऊंगा। एंड गाइस एक और चीज मैं आप लोग को क्लियरली बोल देता हूँ कि ये वाला व्लॉग आज आ रहा है, नेक्स्ट व्लॉग कब क्या आने वाला है उसका कोई गारंटी मैं दे नहीं सकता, बिकॉज जब मुझे टाइम मिलेगा मैं श्योरली व्लॉग बना लूंगा आप लोगों के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट व्लॉग टिल माई एग्जाम्स, नोट इट गाइस, टिल माई एग्जाम्स। मैं प्रोबेबली इससे अपना थंबनेल भी रखने वाला हूँ कि लास्ट व्लॉग है, तो टिल माई एग्जाम दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट व्लॉग। इसी के साथ अगर आप लोग व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। This is Ketan signing out from KP Vlog. Sit down.